भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के भुलनी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली को लेकर जागरूकता सम्मेलन सभा में पहुंचकर रिमोट दबाकर 136 विभिन्न योजना का शिलान्यास व 50 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली से हमारा पूरा बिहार खुशहाल रहेगा। साथ ही जल संरक्षक के बारे में बताते हुए जल की रक्षा करें, जल को बचाएं। बरसात का पानी भी अब जल गृह में जाएगा, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। बिहार पुलिस में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया है। पहले बिहार पुलिस महिला नहीं दिखती थी, अब बिहार पुलिस में अधिक महिलाएं दिखाई देती है, जो किसी भी प्रांतों में नहीं दिखाई देती है। स्कूल के लड़कियों के लिए भी साइकिल योजनाओं का लाभ दिया है। पहले लड़की लोग पैदल जाती थी, दूसरे जगह लड़की साइकिल चलाती थी, अब गांव-गांव के लड़की साइकिल से जाती महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। युवक लोग भी बोलते हैं, सर हमारे लिए भी कुछ करिए, तभी युवकों को भी साइकिल योजनाओं का लाभ दिया। 19 जनवरी को मानव श्रृंखला के बारे बताते हुए कहा, इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाना है, आप लोगों से अपील करने आए हैं, इसलिए आप लोगों की भागीदारी से ही संभव है। तभी जनताओं को कहा कि एक लोग साथ देखे तो हाथ उठाकर कहे, तभी जनताओं ने हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए साथ देने की बात कही। शराब बंद महिलाओं के कहने पर बंद कराया है, तभी बिहार में शराब बंद है, हमारे बिहार की महिलाएं शराब बंद से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जल जीवन हरियाली के जनताओं से अपील करते हुए वृक्ष लगाने की बात कही, जिससे बिहार की पर्यावरण की रक्षा हो सके। मंत्री अशोक चौधरी ने भी सरकार की उपलब्धि के बारे में विस्तार से बताया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी सरकार की उपलब्धि के बारे में बताया। इस मौके पर भागलपुर शासन अजय मंडल, सुल्तानगंज विधायक सुबोध राय, नाथनगर विधायक लक्ष्मी नारायण मंडल, शाहकुंड महिला अध्यक्ष, सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार रवि, नगर अध्यक्ष संजय मंडल, विनय बिहारी सिंह, प्रो ललित नारायण मंडल एक तमाम जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आग्रह करती हूँ जिलाधिकारी महोदय से, मुख्य सचिव बिहार, और पर्यावरण संतुलन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए उस पर गंभीर विमर्श करके हम लोगों ने योजनाएं बनाई और मिशन मोड में उसको लागू कर रहे हैं। आपको तो पता है कि जब से आपने मौका दिया है हम लोगों को काम करने का, आप तब से जानते हैं दो बात, हमारा संकल्प है न्याय के साथ विकास का, और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो हाशिए पर थे, किनारे थे, उन तबकों को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो महिलाएं हों। हर जगह पंचायती राज संस्थाओं में जो तीनों यूनिट, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो और ग्राम पंचायत हो, सरपंच और पंच, इन सबों में और उसके बाद नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हो गई, पहले नाम मात्र की कुछ महिलाएं होती थी, और आज 50% से भी ज्यादा अब महिलाएं चुनाव जीत रही हैं, जिला पर चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हो या नगर निकाय। तब यह स्थिति आई, और उसके अलावा हमने महिलाओं में जागृति के लिए जो जीविका योजना की शुरुआत की, स्वयं सहायता समूह में बिहार सबसे पीछे था, लेकिन जब आप लोगों ने मौका दिया 2006 में सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर हम लोगों ने जीविका समूह की शुरुआत की, जीविका योजना की, और वो इतना प्रभावकारी था, प्रभावशाली था, हमने इसको पूरे बिहार में हम लोगों ने लागू किया और लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह होगा, और मुझे खुशी है कि अब 9 लाख के करीब स्वयं सहायता समूह हो गया, जीविका समूह बन गया, 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवार की महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई, और कितनी जागृति आ रही है। घर की आमदनी बढ़ना एक पक्ष है, लेकिन जागृति कितनी आ रही है, जागरूकता कितनी आ रही है, और ये जो महिलाओं में जागरूकता आई है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.